प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काल के 20 साल के यादगार सफ़र पर लिखी गई किताब मोदी एट द रेट 20 को लेकर एक सम्मेलन भाजपा की ओर से राजसमंद जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह ने शिरकत की। अरुण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब मोदी के 20 साल के प्रमुख राजनीतिक जीवन पर आधारित है और वह यह दर्शाती है कि किस तरह का विजन और फोर्स लेकर नरेंद्र मोदी ने इस देश का विकास किया और लोगों का भरोसा जीता है। जब सपने देखे जाते हैं तो तभी उन्हें पूरा किया जा सकता है और नरेंद्र मोदी ने आज यह दुनिया को दिखा दिया कि वह विश्व स्तर के नेता हैं। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। केलवा के श्री नवलश्याम गौशाला में मटकी फोड़ प्रतियोगिता संपन्न। केलवा में श्री नवलश्याम कृष्ण गौशाला में देर शाम को नंदोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में गौशाला में विशेष सजावट की गई। श्री नवलश्याम भगवान का गौशाला भ्रमण से पूर्व खातेला धोली मंगरी के ग्रामीणों ने ठाकुर जी को पामना कर भ्रमण करवाया। गौशाला के अध्यक्ष नारायण पालीवाल एवं संरक्षक हरि सिंह राठौड़ के साथ ही समस्त पदाधिकारी द्वारा पूजा अर्चना की गई। मटकी फोड़ कार्यक्रम संयोजक कैलाश जोशी ने बताया कि दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता में कई टीमों ने भाग लिया, जिसमें 15 से 20 दौर मटकी फोड़ के चले। वहीं मटकी को बाबा रामदेव नवयुवक मंडल की कीरों का ओड़ा द्वारा मटकी फोड़ी गई। वहीं इनाम के लिए 23,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। टीम के संरक्षक बहादुर सिंह द्वारा 11,000 रुपये गौशाला को वापस भेंट किए। युवाओं ने हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की आज के आनंद की जय हो से माहौल गूंज उठा। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामवासी थे। प्रज्ञा विहार में साध्वी मंजू ईशा के सानिध्य में राजा हरिश्चंद्र का परिसंवाद का आयोजन हुआ। तेरापंथ महिला मंडल के तत्वावधान में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का अनूठा एवं सुंदर परिसंवाद का आयोजन प्रज्ञा विहार में साध्वी मंजू ईशा के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत साध्वी के नमस्कार महामंत्र से हुई। कांकरोली महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। धर्मसभा में प्रवचन देते हुए साध्वी मंजू ईशा ने कहा कि भारत की भूमि पर अनेक प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया है, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इन्हीं प्रतापी राजाओं में से एक थे सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें उनकी सत्य निष्ठा और त्याग निष्ठा के लिए आज भी जाना जाता है। कैसे सत्यवादी महान त्यागी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की सुरक्षा के लिए राज्य को छोड़ा और कैसे देव परीक्षा पूर्ण कर उत्तीर्ण हुए, इसका बहुत ही सुंदर और रोचक परिसंवाद कन्या मंडल और महिला मंडल और ज्ञानशाला के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएँ थे। पहाड़ों से निरंतर पानी की आवक जारी। गांवगुड़ा तालाब लबालब होकर छलक रहा। गांवगुड़ा और जालों की मदार क्षेत्र की पहाड़ियों पर गत दिनों हुई अच्छी बारिश होने से अब पहाड़ों से लगातार पानी की आवक अब भी जारी है। गांवगुड़ा में तालाब लबालब होकर छलक चुका है। तालाब ओवरफ्लो होने के बाद यह पानी निरंतर आगे की तरफ बढ़ रहा है। जालों की मदार जाने वाले रास्ते में तालाब लबालब होने के बाद ओवरफ्लो का पानी सड़क की पुलिया के ऊपर से तेज रफ्तार से बह रहा है। पहाड़ों से हुई गत दिनों अच्छी बारिश का ही यह नतीजा है कि अब तक पहाड़ों से लगातार पानी की आवक जारी है। इसी के चलते गांवगुड़ा तालाब की चादर से लगातार पानी चल रहा है। वहीं निचले इलाकों में भी लगातार पानी जाने से कुओं का भी जलस्तर बढ़ चुका है।
गौशाला में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। सियाणा गौशाला में गो भक्तों ने मिलकर दिव्य तरीके से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। कार्यक्रम में देर रात तक बड़ी संख्या में ग्रामवासी डटे रहे। पंचामृत से कृष्ण भगवान के विग्रह का वेदों और शास्त्रों तरीके से अभिषेक किया। इसके बाद सभी भक्तों ने वर्तमान में गौ माता पर आई लंपी स्किन डिजीज महामारी और संकट को लेकर सभी भक्तों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। प्रशासनिक संत हरे कृष्णा राकेश पुरोहित ने गैया मैया की महिमा को सभी भक्तों को बताया। साथ ही सबको अवगत कराया कि वर्तमान में जो गोवंश पर बड़ा संकट है, वस्तुतः अप्रत्यक्ष रूप से मानवता पर संकट है। अगर मानवता को बचाना है तो दया करुणा प्रेम को बचाना है तो हमें हर हाल में गौ माता को बचाना होगा, क्योंकि वस्तुतः प्रेम सत्य करुणा और सात्विक मूल्यों का जो केंद्र है, जो स्रोत है, वह केवल गौ माता है। ऐसे में मानवता को बचाने के लिए गौ माता की रक्षा करनी जरूरी है। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुटे। राजनीति की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए दोनों प्रमुख संगठन अपने प्रचार प्रसार के लिए निकल चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजसमंद से अधिकांश महाविद्यालयों में छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। उम्मीदवार अपने महाविद्यालय से निकल कर अब छात्रों के घर घर पहुँच कर अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए आग्रह कर रहे हैं। उम्मीदवार अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। श्री हीरालाल देवपुरा राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी हिम्मत गुर्जर महाविद्यालय से निकलकर अब छात्रों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं और छात्र छात्राओं से मिलकर उनसे अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस अवसर पर निवर्तमान छात्र अध्यक्ष अजय सिंह चुंडावत, नगर मंत्री कार्तिकेय बटवाल, पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश प्रजापत मही। निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर 23 को राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय एवं आरोग्य समिति जिला आयुर्वेद चिकित्सालय राजसमंद के संयुक्त तत्वावधान में 23 अगस्त को मौसमी बीमारी एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि हेतु औषध किट का वितरण किया जाएगा। शिविर प्रभारी डॉक्टर परशुराम योगी ने बताया कि वर्तमान समय में मौसमी बीमारियों का प्रकोप काल है। ऐसे में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी आदि का प्रकोप है और इस समय व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती हैं। ऐसे में मौसमी बीमारी एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए शिविर में औषध किट का वितरण किया जाएगा। शिविर प्रातः 9 बजे शुरू होगा जो दोपहर 1 बजे तक चलेगा। शिविर में आने वाले लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और औषधि वितरण की जाएगी।